नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एनसीबी की जांच में एक नया मोड़ आ गया है। दरअसल एनसीबी सुशांत की मौत के साथ जुड़े ड्रग्स एंगल को लगातार खंगाल रही है और इसी की पड़ताल करते हुए अब एनसीबी की जांच के रडार पर बॉलीवुड का एक मशहूर फिल्म निर्माता आ गया है। एनसीबी जल्द ही इस फिल्म प्रोड्यूसर को पूछताछ के लिए सम्मन भेजने वाली है। ये फिल्म निर्माता सुशांत से मिलने के लिए वाटरस्टोन रिजॉर्ट भी जाया करता था और एक बार नहीं बल्कि कई बार ये वहाँ पर सुशांत से मुलाकात करने के लिए गया है। वाटरस्टोन रिजॉर्ट मुंबई के अंधेरी ईस्ट का वो रिजॉर्ट है जिसका सुशांत की ज़िंदगी के आखिरी दिनों से गहरा ताल्लुक है। यही वो जगह है जहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती नवंबर 2019 में शिफ्ट हो गई थी। यूरोप के दौरे के बाद जब रिया चक्रवर्ती और सुशांत सिंह राजपूत वापस मुंबई लौटे थे तो रिया ने दावा किया था कि उसी दौरे के दौरान सुशांत की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो एक पेंटिंग को देखकर डिप्रेशन में चले गए थे और फिर जब वो अपने घर बांद्रा में कैपरी हाइट्स लौटे थे तो उनकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उस घर में सुशांत को डर लगने लगा था, उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। हालांकि रिया ने ही सुशांत के मन में ये बातें डाली थी कि कैपरी हाइट्स बिल्डिंग में सुशांत का घर हॉन्टेड है, वहाँ पर लिफ्ट खुद ब खुद चलने लगती है वगैरह वगैरह। इन तमाम हालात के बाद रिया चक्रवर्ती सुशांत को इस वाटरस्टोन रिजॉर्ट में लेकर आ गई थी और तो और रिया के माता पिता और भाई भी इसी रिजॉर्ट में आकर रहने लग गए थे। करीब 2 महीने तक रिया ने सुशांत को यहीं पर रखा था। इस रिजॉर्ट में सुशांत से मिलने आने वाले हर शख्स पर एनसीबी की अब नज़र है। हर एक शख्स जो यहाँ पर सुशांत से मिलने आया उसका सीसीटीवी फुटेज भी एनसीबी के कब्जे में है। उसी फुटेज की बिना पर बॉलीवुड गैंग का ये बड़ा प्रोड्यूसर अब एनसीबी के शिकंजे में आ चुका है। सबसे अहम बात यह है कि ये एक बार नहीं बल्कि कई कई बार सुशांत से मुलाकात करने के लिए इस रिजॉर्ट में आया था। अब एनसीबी ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि आखिर इन मुलाकातों का मकसद क्या था। क्या दोनों साथ मिलकर किसी फिल्म पर काम करने वाले थे? क्या कोई प्रोजेक्ट था जिस पर दोनों के बीच कोई बातचीत चल रही थी या फिर इस प्रोड्यूसर के वहाँ आने की वजह कुछ और थी? एनसीबी की टीम को लगता है कि ये फिल्म प्रोड्यूसर लगातार सुशांत के संपर्क में था, तो आखिर किस वजह से था? क्यों वो सुशांत से मिलने इस रिजॉर्ट पर आता था? क्या इन दोनों की मुलाकातों के बीच कहीं रिया चक्रवर्ती की कोई भूमिका तो नहीं? क्या वो वहाँ रिया चक्रवर्ती से मिलने आता था? दरअसल एनसीबी को शक है कि इस प्रोड्यूसर के वहाँ आने से ड्रग एंगल जुड़ा हुआ है। सुशांत की तबीयत अगर ठीक नहीं थी तो इस तरह से बाहरी लोग वहाँ पर आकर उनसे मुलाकात क्यों करते थे? एनसीबी के पास नवंबर 2019 से लेकर जून 2020 तक सुशांत सिंह से मिलने आए हर एक शख्स की पूरी जानकारी है। ऐसे में इसी रिजॉर्ट में रिया जिस तांत्रिक को पुणे से लेकर आई थी उसको भी एनसीबी तलब कर सकती है। एनसीबी ये जानने की कोशिश में है कि वहाँ रहने के दौरान सुशांत का व्यवहार कैसा था, उसकी रूटीन क्या थी, वो क्या कुछ दिन भर करता था वगैरह वगैरह। आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की बहनों ने भी इसी रिजॉर्ट में आकर एक बार सुशांत से मुलाकात की थी। उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि रिया सुशांत को यहाँ पर रखकर ज़बरदस्ती उसे ड्रग्स दिया करती थी और वो बड़ी मुश्किल से सुशांत से मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच पाई थी। ये तमाम बातें सीबीआई की पूछताछ के दौरान भी कई बार सामने आई थी कि रिया सुशांत को जानबूझकर उसके स्टाफ से दूर इस रिजॉर्ट में रखती थी और उसे ड्रग्स दिया करती थी। और एनसीबी को भी कुछ इसी तरह का शक है कि सुशांत को इस रिजॉर्ट में रहने के दौरान ड्रग्स दी गई थी और इस बॉलीवुड प्रोड्यूसर का कनेक्शन भी कहीं ना कहीं ड्रग्स रैकेट के साथ ही जुड़ता हुआ दिख रहा है। खबर तो ये भी है कि यहाँ शिफ्ट होने के बाद भी रिया चक्रवर्ती अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर रिजॉर्ट पर पार्टियाँ किया करती थी और ये वाटरस्टोन रिजॉर्ट बॉलीवुड गैंग और मुंबई के हाई प्रोफाइल तबके का फेवरेट जॉइंट भी है। एनसीबी की रडार पर इस रिजॉर्ट का मालिक और वहाँ पर काम करने वाले तमाम कर्मचारी भी हैं। उनकी लिस्ट भी एनसीबी ने तैयार कर ली है, यहाँ आने वाले लोगों के बारे में, यहाँ होने वाली पार्टियों के बारे में, उन पार्टियों के ऑर्गेनाइजर्स के बारे में। एनसीबी इन तमाम पहलुओं पर अपनी तहकीकात को आगे बढ़ा रही है। एनसीबी को शक है कि ये वाटरस्टोन रिजॉर्ट में जो पार्टियां होती हैं उन पार्टियों में कहीं ना कहीं ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। इस बीच एनसीबी लगातार दीपिका पादुकोण की टैलेंट मैनेजर
करिश्मा प्रकाश को भी तलाश रही है। नोटिस भेजे जाने के बावजूद पिछले 3 दिन से करिश्मा प्रकाश का कहीं अता पता नहीं है। एनसीबी के अधिकारियों ने मंगलवार को करिश्मा प्रकाश के वर्सोवा निवास पर तलाशी ली थी और तलाशी के दौरान 1.7 ग्राम हैश और सीबीडी तेल की 3 शीशियां बरामद की गई थी। एनसीबी का कहना है कि करिश्मा प्रकाश का नाम बॉलीवुड ड्रग्स जांच मामले में गिरफ्तार ड्रग पेडलर से पूछताछ के दौरान सामने आया था। इसके बाद ही एनसीबी ने पूछताछ के लिए करिश्मा के घर के बाहर समन चस्पा दिया था, लेकिन करिश्मा प्रकाश ने अब तक उस पर कोई जवाब नहीं दिया है। करिश्मा प्रकाश का एक ड्रग पेडलर से लिंक, उसके घर से ड्रग्स की बरामदगी और एनसीबी के समन पर सहयोग नहीं करना आने वाले दिनों में करिश्मा की दिक्कतों को काफी बढ़ा सकता है। अब एनसीबी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। गौरतलब है कि दीपिका और करिश्मा के बीच हुई ड्रग चैट के आधार पर ही पिछले महीने एनसीबी ने दीपिका से पूछताछ की थी। अब तक एनसीबी करीब 25 लोगों को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार कर चुकी है। सबसे अहम बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले की जांच भले ही धीमी रफ्तार से हो रही हो, लेकिन इस मामले में एनसीबी लगातार लोगों पर शिकंजा कस रही है, लगातार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। अभी पिछले हफ्ते एनसीबी ने फिल्म स्टार अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड के भाई को भी गिरफ्तार किया था। अफ्रीकी मूल का अगीसी लाओस के पास से हशीश और एल्प्रोजोलम की टैबलेट्स बरामद की गई थी। ये शख्स कई साल से मुंबई में ही रह रहा है और बॉलीवुड गैंग के इनर सर्कल तक इसकी पहुंच है। खबर है कि अगीसी लाओस बॉलीवुड के कई दिग्गजों को ड्रग्स की सप्लाई भी किया करता था। एनसीबी अब उससे हो रही पूछताछ से मिले सुरागों के आधार पर बॉलीवुड के कई और लोगों को भी पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जल्द ही बॉलीवुड के कुछ बड़े स्टार्स पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच में देश की 3 बड़ी जांच एजेंसियां इस वक्त पड़ताल कर रही हैं। ईडी, एनसीबी और सीबीआई भी लगातार जांच के दायरे को बढ़ाकर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और जिम पार्टनर सुनील शुक्ला ने बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने दिशा सालियान केस की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। उन्होंने याचिका में लिखा है कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि दिशा और सुशांत मार्च से अप्रैल 2020 के बीच आपस में बात किया करते थे। अब देखना यह होगा कि इस याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। दरअसल हर किसी को यह लगता है कि सुशांत और दिशा सालियान की मौत के बीच कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन तो जरूर है और उस कनेक्शन को अब तक पुख्ता तौर पर सीबीआई भी नहीं खंगाल पाई है, क्योंकि दिशा सालियान की मौत की जांच का जिम्मा सीबीआई को नहीं सौंपा गया है। दिशा की मौत पर बातें तो तमाम होती हैं, खुलासे भी हर रोज होते रहते हैं, पर पुख्ता तौर पर दिशा की मौत की जांच किसी भी दिशा में आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। यही बात सुशांत के चाहने वालों को भी परेशान कर रही है। खास बात तो यह है कि दिशा और सुशांत की मौत के बीच करीब हफ्ते भर का फासला था और यह भी सच है कि दिशा की मौत के बाद सुशांत काफी परेशान हो गए थे और डर के मारे अपने करीबियों से कह रहे थे कि अब तो वो लोग उन्हें भी मार डालेंगे। यही वो कड़ी है जिसे खंगालने की जरूरत है और इस कड़ी को सीबीआई तभी खंगाल सकती है जब दिशा का मामला भी सीबीआई को सौंपा जाए। साथ ही देखना होगा कि एनसीबी कितनी जल्दी बॉलीवुड के इस हाई प्रोफाइल फिल्म प्रोड्यूसर को पूछताछ के लिए बुलाती है और बॉम्बे हाईकोर्ट दिशा की मौत की जांच का जिम्मा कितनी जल्दी सीबीआई को सौंपता है। फिलहाल अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।